हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को हम दिन तीनों को किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम सेम ही होता है, तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो कल हम इसको ही ट्रेड करेंगे। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ट्रेंड लाइन आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट है मार्केट के लिए, ठीक है, फिन निफ्टी के लिए। सो अगर कल ये फ्लैट ओपन होता है तो आप लोगों को 5 से 10 रुपये के प्रीमियम में जो भी प्रीमियम ट्रेड करता है ना, बोथ कॉल एंड पुट दोनों ले सकते हो, क्योंकि ये जिस तरफ जाएगा बड़ा मोमेंटम हो सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग है, राइट। यहाँ पर जब जो भी ऑप्शन सेल करके बैठता है बंदा, उसका एसएल हमेशा ये लेवल स्विंग्स के पास रहता है। सो जब तक ये ट्रिगर होता है ना, सो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। सो कल जो भी प्रीमियम्स 5 से 10 रुपये के बीच में अवेलेबल रहता है वो आप लोग ले सकते हो, और उसका जब वो 30-40 तक जाता है ना, आप लोग उसको ट्रेल करते हुए होल्ड भी कर सकते हो, और जो लोग सेफ ट्रेडर्स हैं ना, वो लोग बुक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कल यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद एक 20-30 मिनट यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, करने के बाद ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आप लोग कॉल ऑप्शन ले सकते हो, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो आप लोग पुट ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। बट नीचे की तरफ तुरंत मत घुस जाना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सपोर्ट लेवल्स है फिन निफ्टी के लिए। मैं एक बार दिखा दूंगा आप लोगों को, जैसे ये एक जोन है, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। सो नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ पर कुछ डब्लू पैटर्न ऐसे बना के फिर ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। सो आप लोगों को बस प्रेडिक्शन को देख के ही ट्रेड करना, और जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया था, ये और ये जोन के बीच में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस इंतज़ार करना है कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना है। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा तो फिर हम ट्रांजेक्शन देख के ट्रेड करेंगे, क्या वो ऊपर जा रहा है स्लो एंड स्टडी जाने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, वो सब कुछ हमको देख के ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलेगा तो फिर वो जब नीचे आता है ना, उसके लिए ये एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। सो ज़्यादा गैप अप भी खुलेगा तो हम सपोर्ट्स पर जब आता है ना, वहाँ पर हम बाई कर सकते हैं, ठीक है, विथ स्मॉल एसएल। सो आप लोग यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा कम रख लेना और ट्रेड कर लेना आप लोग, बट पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर रेंज क्रिएट करता है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करता है। सो कल एक्सपायर है तो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, और ट्रेड भी सोच समझ के लेना, ऐसे ही मत ले लेना, ठीक है। और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे, आज मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, उसका रीज़न बताऊँगा आप लोगों को। जैसे आप लोग यहाँ से देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है ना। सो मैंने इंतज़ार कर रहा था मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद, मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेड्स नहीं दिए थे मैंने ग्रुप में भी। जब ये नीचे आने के बाद यहाँ से इतना ऊपर गया ना, जाने के बाद ये शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेना मिस हो गया था, बट मैं यहाँ पर एम पैटर्न के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब भी ट्रेंड लाइन रहता है ना, वहाँ पर ऐसे एक बार टच होता है, सेकेंड बार टच होता है, जब ताटे मारने के बाद वहाँ पर ऐसे कुछ एम पैटर्न बनाता है ना, तो मैं वहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ये सपोर्ट लेवल तक हमारा टारगेट था जो कि अचीव भी हो चुका था, और हमारा एसएल ये लेवल था। सो हमेशा मैं स्विंग्स के ऊपर नज़र रखता हूँ, और थोड़ा साइकोलॉजी भी ऐड करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, मैं बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो कल हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पर सिंपल है, बस ये हमारे लिए एक स्विंग दिख रहा है, और नीचे की तरफ ये एक स्विंग दिख रहा है, इसके बीच में हमको कुछ नहीं करना है। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, सडनली नीचे आता है, आने के बाद टाइम बिताने के बाद ब्रेक दौड़ने का तो हम एंट्री लेंगे पुट साइड, और सडनली फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर चला जाता है, जाने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देगा तो आप लोग यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। बट ये जो रेंज मैंने बताया था आप लोगों को, ये दोनों रेंज के बीच में अगर टाइम बिताने के बाद सेकंड हाफ में मोमेंटम देगा ना, बहुत ही बड़ा मोमेंटम दे सकता है। सो थोड़ा क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, कॉल की साइड प्लान करना, पुट साइड प्लान मत करना, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आ रहा है उसको बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स है, ठीक है। सो निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है कल ऊपर की साइड, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखो, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग। सो बहुत सारे स्विंग्स इसमें पेंडिंग है। जब ये ट्रिगर होता है ना, जो बंदा हाँ शॉर्ट सेल किए होते हैं मार्केट में, ओवरनाइट पोजीशन लेके बैठा है, जब भी उस स्लो एंड स्टडी ये लेवल तक आता है ना, उसका एसएल एसएल ले लेता है मार्केट। सो एक फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकता है। सो आप लोगों को ये स्विंग्स जो भी क्रिएट हुआ है निफ्टी में, वहाँ पर आप लोगों को नज़र रखना और ट्रेड करना, ठीक है, सोच समझ के। तो नीचे की साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ। अगर इसको ब्रेक डाउन देता है देने के बाद, रीटेस्ट के बाद मैं प्लान करता हूँ, बट तुरंत ब्रेक डाउन देने के बाद मैं कोई प्लान नहीं करता हूँ यहाँ पर, ये मेरे लिए टारगेट होगा। बट बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुलेगा तो हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अब वो प्राइस एक्शन कैसे होता है कि बस हमको एक स्विंग क्रिएट करता है ना मार्केट, उसके ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं, या ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे एक रेंज क्रिएट करता है, वो रेंज का ऊपर की तरफ जाता है तो हम ऊपर कॉल साइड लेंगे, नीचे गया तो पुट लेंगे, ठीक है। इसीलिए जब गैप अप और गैप डाउन खुलता है मार्केट,
आप लोगों को प्रायर एक्शन देके ही ट्रेन लेना पड़ता है, ठीक है। सो प्लीज़ मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन हो जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।